जी हाँ, ये भाद्रपद महीना जो है और एक सितंबर से शुरू हो रहा है और 6 सितंबर को, 6 सितंबर बुधवार प्रातः काल तो सप्तमी तिथि रहेगी, लेकिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी आ जाएगी और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए 6 तारीख को जो है विशेष करके लोग जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। और जो वैष्णव लोग हैं जो प्रातः काल सूर्योदय में अपनी तिथि को ग्रहण करते हैं, तो जो है वो 7 तारीख को अष्टमी जो है मिलेगी प्रातः काल, दिन गुरुवार, और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। वैसे विशेष करके लोग 6 तारीख को ही जो अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग है उसको मनाएंगे जो है। और 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा रहेगी, जो भाद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दिन रविवार रहेगा, उसमें विश्वकर्मा जी की पूजा होगी। और स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार तीजा, जिसको हम कहते हैं हरतालिका व्रत, वो 18 तारीख को रहेगा, दिन सोमवार जो है सुंदर, भादों शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, जो स्त्रियों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो है, जिसमें सुंदर शिवा शिव की सुंदर पूजा होती है, निराहार व्रत करती हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ओ व्रत है। श्री गणेश चतुर्थी का भी व्रत होगा, लोग गणेश जी के सुंदर पूजन करेंगे। इस प्रकार से इस सितंबर महीने में जो है सुंदर कृष्ण जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा और हरतालिका व्रत जिसको हम तीजा कहते हैं, और गणेश चतुर्थी का व्रत मनाए जाएंगे विशेष करके।